आर्म फोर्स ज्वाइन करने का सपना मेरा बचपन से ही था। मेरे ताऊजी का पोस्टिंग जब पठानकोट में हुआ था, तब हम लोग उनको मिलने गए थे। वो जैसे कि एयरफोर्स में थे, तो उनने पहली बार मुझे एक एक फाइटर जेट में बैठाया था। तब से वो एक जुनून सा, एक सपना सा था कि मुझे भी एक दिन वो जेट उड़ाना है, मुझे भी अपने देश के लिए लड़ना है। नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल राव। आज हम बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स जाने की प्रथम पग। इसमें हमारे एडमिशन शुरू हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। तो अभी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आज फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किया है। तो अभी हमारे साथ है सक्षम। तो सक्षम, अपने बारे में बताओ। सर, मेरा नाम सक्षम ठाकुर है, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। मेरे पापा आर्मी में हैं, मेरे मम्मी जी का नाम सीमा देवी है और वो एक हाउसवाइफ है, और मेरे सिस्टर नेट की कोचिंग ले रहे हैं, और मैं अपने फादर से इंस्पायर हुआ हूँ आर्मी में जाने के लिए, तो इसलिए मैं आर्मी ज्वाइन करने चाहता हूँ। अच्छा, अभी आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो आर्म फोर्स क्यों ज्वाइन करनी है आपको? सर, मुझे अपना देश बचाना है। देश बचाना है? यस सर। अच्छा, और ये बताओ, जैसे आर्म फोर्स ज्वाइन करनी है, अभी तुम टेंथ करके आए हो, तो अभी दून डिफेंस एकेडमी की फाउंडेशन कोर्स में आप हैं, तो इसके बारे में कैसे पता चला आपको? सर, नेट पर सर्च करके पता चला कि ये स्कूल तगड़ा है, तो इसलिए आया मैं यहाँ। और भी एकेडमी सर्च करी थी? नो सर, सर इसके बारे में सर्च किया मैंने। इसके बारे में सर्च? यस सर। अच्छा, अभी जैसे आप घर से पहली बार बाहर निकले, तो अभी कैसा फील हो रहा है? सर, कुछ दिन तो ऐसे नर्वसनेस सा लगा, डर भी लगा, और सर अब ठीक लग रहा है। अभी थोड़ा ठीक है? यस सर। तो अभी जैसे आपकी तैयारी अब शुरू होने वाली, 1 तारीख से शुरू हो जाएगी, तो उसको लेकर क्या प्रिपरेशन कर रहे हो अभी आप? सर, जल्दी उठ रहा हूँ सुबह, और सर सुबह पीटी के लिए जा रहा हूँ, और सर सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, और सर फिर एसएसबी के लिए तैयारी के लिए जा रहा हूँ। तो अभी आपको सही लग रहा है यहाँ पे दून डिफेंस एकेडमी आके? यस सर, सही लग रहा है। चलो, थैंक यू। अब हमारे साथ है संभाव्या। संभाव्या, अपने बारे में बताओ। सर, मेरा नाम संभाव्या उपाध्याय है, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मेरे पापा, जिनका नाम अशोक कुमार उपाध्याय है, वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरी मम्मी सुमा उपाध्याय, वो एक हाउसवाइफ है, और मेरी बहन अन्वेषा उपाध्याय, वो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही है। अच्छा, अभी आप आर्म फोर्स की तैयारी के लिए दून डिफेंस एकेडमी फाउंडेशन कोर्स में आए हैं, तो आर्म फोर्स ज्वाइन करने का क्यों, कैसे सोचा आपने? आर्म फोर्स ज्वाइन करने का सपना मेरा बचपन से ही था। मेरे ताऊजी का पोस्टिंग जब पठानकोट में हुआ था, तब हम लोग उनको मिलने गए थे। तब वो जैसे कि एयरफोर्स में थे, तो उनने पहली बार मुझे एक फाइटर जेट में बैठाया था। तब से वो एक जुनून सा, एक सपना सा था कि मुझे भी एक दिन वो जेट उड़ाना है, मुझे भी अपने देश के लिए लड़ना है। लड़ना है? तो अभी जैसे आप एनडीए की तैयारी करेंगे यहाँ से आके, तो घर वालों का कोई रहा कि नहीं बेटा ये मत कर, कुछ और कर ले, कुछ प्रेशर ऐसा? नहीं सर, मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट था, क्योंकि मेरी फैमिली भी चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो एयरफोर्स या ऐसे, मतलब कि देश की सेवा के लिए आगे बढ़े, अपने देश की सेवा करे, तो उनको फुल सपोर्ट है। अच्छा, अभी आप दून डिफेंस एकेडमी आए हैं, तो इसके बारे में कैसे पता चला आपको? दून डिफेंस एकेडमी के बारे में ऑनलाइन इंटरनेट, बल्कि अब बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, बहुत सारे पास्ट आउट स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि अच्छा प्रिपरेशन करवाते हैं, तो फिर यहाँ पे आगे भी देखा, एक विजिट करके देखा, तो अच्छा लगा, तो फिर ज्वाइन कर। तो और भी एकेडमी आपने नेट पे सर्च करी होंगी या विजिट किया होगा? हाँ, और अकेडमीज़ विजिट किए थे, बट फाइनली जाके दून डिफेंस एकेडमी बेस्ट लगा, तो फिर ये। तो ऐसा क्या बेस्ट लगा कि आपने दून डिफेंस एकेडमी को सिलेक्ट किया? यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का पूरा ग्राउंड फैसिलिटीज़, वो सब देख के फिर दून डिफेंस एकेडमी को सिलेक्ट किया। अच्छा, अभी आप पहली बार घर से बाहर निकले हैं, अभी देहरादून में आप हैं, फैमिली से दूर, तो कैसा फील कर रहे हैं अभी? थोड़ा अभी नर्वसनेस है, थोड़ा वो होम सिकनेस अभी भी है, बट विद टाइम वो चला जाएगा, तो ठीक है। एक थोड़ा हार्ड तो बनना पड़ेगा ना? जी हाँ। तो अभी कोई प्रिपरेशन शुरू करी आपने यहाँ पे अभी? अभी तो एसएसबी की प्रिपरेशन कर्नल सर हमें करवा रहे हैं, तो एसएसबी की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, उसके साथ नॉर्मल स्कूलिंग एंड यस। चलो, थैंक यू। थैंक यू। अब हमारे साथ है प्रियांशु। प्रियांशु, अपने बारे में बताओ। गुड आफ्टरनून सर, माई नेम इज़ प्रियांशु, आई एम फ्रॉम बालावाला देहरादून। माई फादर इज़ एन आर्मी पर्सन, हिज नेम इज़ मिस्टर विजेंद्र सिंह नेगी। My mother is a beautician. Her name is Mrs. Renu Devi. I have my younger brother. His name is Pratyaksh. He is in 7th class at Saint Kabir Academy. अच्छा, अभी आप आर्मी आर्म फोर्स ज्वाइन करने के लिए कोचिंग के लिए यहाँ पे पढ़े, पढ़ाई भी साथ साथ चलेगी आपकी, आर्म फोर्स ज्वाइन करने का कैसे सोचा आपने? सर, माई फादर इज़ एन आर्मी पर्सन, ही इंस्पायर्ड मी वेरी हार्ड दैट जॉइनिंग इंडियन आर्म फोर्सेज इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर पीपल, सो इट्स माई एम फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स दैट आई हैव टू जॉइन इंडियन आर्मी। तो अभी आपका रोल मॉडल कौन है? माई फादर इज़ माई रोल मॉडल।
अच्छा, अभी दून डिफेंस एकेडमी आए हैं लोकली, आप यहाँ से, तो देहरादून में बहुत सारी एकेडमियाँ हैं, तो आपने दून डिफेंस एकेडमी को ही क्यों चुना? सर, आई हर्ड इट वेरी वेल दैट इट इज़ अ बेस्ट इन देहरादून दैट फॉर ऑल ओवर SSB एंड इन NDA. So I joined this. तो अभी यहाँ जैसे घर है तो आपका घर लोकली, लेकिन फिर भी घर से बाहर रहना पड़ेगा, तो अभी कैसा फील हो रहा है? नो सर, आई फील सिक्योर इन DDA. DDA. ओके, थैंक यू. काइंडली सब्सक्राइब DDA YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन.